नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यू स्टार फुटबॉल क्लब कुटुंबा के तत्वाधान में आज फाइनल फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कुटुंबा विधायक राजेश राम और कुटुंबा मुखिया प्रतिनिधि चुनमुन कुमार और लोजपा रामविलास के जिला उपाध्यक्ष संजय पासवान और अजय राम के नेतृत्व में खिलाड़ियों के बीच फीता काट कर मैच का शुभारंभ किया गया और खिलाड़ियों के बीच परिचय और हालचाल लिया और सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर सभी को प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। बताते चले कि कुटुंबा के ऐतिहासिक प्राचीन गढ़ हाई स्कूल कुटुंबा के मैदान में न्यू स्टार फुटबॉल क्लब कुटुंबा के तत्वाधान में करीब 26 साल से यहां मैच का आयोजन किया जाता है। बताते चले कि आज का फाइनल मैच की टीम अम्बा बनाम नेरची देव के बीच खेला गया। इस फुटबॉल मैच का शुभारंभ करते हुए मैच आयोजकों ने कहा कि आज की सभी दोनों टीमों को गोल्ड शील्ड देकर सम्मानित करने का काम किया जाएगा और बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच का खिताब और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब से नवाजा जाएगा, जिससे खिलाड़ियों में जोश भरे। मैच का लुत्फ उठाते बहुत से ग्रामीण भी मौजूद थे। समाचार प्रेषण तक मैच खेला जा रहा था। गांव के युवा लोग ने आयोजन किया है और मैं मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते इन लोग के जो भी कहते हैं हम लोग मानते हैं और इन लोग को सहयोग करते हैं और इसमें युवाओं का सबका सहभागी से ये आपका टूर्नामेंट आज सफल हो रहा है। ये दो टीम भाग ली है, एक देवनरची और एक अम्बा के बीच में आज फाइनल मुकाबला हो रहा है। ये आयोजन 11 तारीख से आयोजन हुआ था, टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ था और आज समापन हो रहा है। कोरोना काल में बंद था और इसके बाद कोरोना काल में मैंने लगातार मैंने 10-15 साल से यहाँ टूर्नामेंट होता है और यहाँ के स्थानीय हम लोग के विधायक जी हैं राजेश कुमार जी, जो इस क्षेत्र के हम लोग के सबसे मतलब लोकप्रिय विधायक हैं और हम लोग के टूर्नामेंट चाहे कोई भी आयोजन में हम लोग के शामिल रहते हैं, भरपूर सहयोग करते हैं। ये हम लगता है कि अपने कार्यकाल में मैं ये तीसरा या चौथा टूर्नामेंट में मैं भाग ले रहा हूँ, लेकिन आज जो है अम्बा का और जो कुटुंबा का जो दर्शक जो उत्साह में ये बिल्कुल जो है अलग। दूसरा है कि खेल एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह होनी चाहिए। यहाँ पे जाति धर्म समुदाय सब भेदभाव मिट जाते हैं। जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं कोई किस समाज का है, किस वर्ग का है, कोई नहीं है। आयोजक भी सब मिल के करते हैं, तो इसलिए ये जो कार्यक्रम इस तरह का स्वस्थ कार्यक्रम होते रहना चाहिए और इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। यहाँ हमारे चुनमुन जी हैं, इधर नीलम सिंह जी हैं, ये लोग का जो भूमिका रहा है क्लब के माध्यम से और एक जितमहन राम है, ये सारे लोग ये उपस्थित हैं, सब रात दिन लग करके मेहनत किया है और हम तो एक अपना सार्थक योगदान दे रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के परंपरा शुरू होना चाहिए। और अभी हम बात कर रहे थे तो मुझे भी देख के ये ऐसा एहसास हो रहा है, उम्मीद लग रहा है कि मेरे पिता स्वर्गीय दिलकेश्वर राम जी के नाम पर भी लोग से बात कर रहे थे कि भाई एक पिता श्री स्वर्गीय दिलकेश्वर राम जी के नाम पर टूर्नामेंट कराइए, हम लोग को जो बनेगा हम लोग सहयोग करेंगे। मैं बिहार सरकार से मांग करूँगा कि कुटुंबा प्राचीन गढ़ ऐतिहासिक खेल मैदान को एक स्टेडियम का रूप बनाने का मैं आग्रह करूंगा बिहार सरकार से, ताकि ये सुदूर ग्रामीण इलाका देहाती क्षेत्र ग्रामीण इलाका है, इसमें हमारे भाई बहन दोनों खेल में रुचि ले और जिला से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर बिहार स्तर तक अपने खेल को प्रदर्शित करें, मैं यही चाहूंगा। और आज का जो आयोजन है फुटबॉल का, ये आखिरी मुकाबला है, मैच है ये आपको, और इसमें ऐतिहासिक कुटुंबा में काफ़ी संख्या में लोग इस मैच का आनंद उठा रहे हैं और हम पूरे कमेटी को बधाई देंगे। ये जो फुटबॉल मैच है ये ग्रामीण क्षेत्र इलाका का मैच है, इस मैच से ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों में खिलाड़ियों में एक हौसला बुलंद होगा, उनमें रुचि जगेगी खेलने का देखने का। ये जो देख रहे हैं इसे प्राचीनगढ़ कुटुंबा ऐतिहासिक मैदान है, इसमें सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, खिलाड़ी लोग आते हैं, उन खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए इस मैच का आयोजन किया गया है। विगत कई वर्षों से इस मैच का आयोजन होते आ रहा है। मी टाइम न्यूज के लिए औरंगाबाद से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट।